एक तरफ आज नरेंद्र मोदी शाम 7:15 बजे तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं, वहीं दूसरी ओर जदयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने दावा किया है कि इंडिया गठबंधन की ओर से नीतीश कुमार को पीएम पद का ऑफर दिया गया था। उनका कहना है कि चुनाव के नतीजों की घोषणा होते ही यानी 4 जून को ही इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस नीतीश कुमार और जदयू को अपनाने में लग गए। जो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें प्रधानमंत्री पद का ऑफर आया। केसी त्यागी के इस दावे पर पूर्णिया से नवनिर्वाचित निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कहते हैं कि मुझे नहीं पता कि उन्हें यानी नीतीश कुमार को पीएम की कुर्सी किसने ऑफर की, वे सबूत क्यों नहीं देते। नीतीश कुमार आखिरी चरण में है राजनीति के, अगर उन्हें प्रधानमंत्री पद की पेशकश की गई थी तो उन्हें ये प्रस्ताव स्वीकार करना चाहिए था। उनका नाम बिहार के पहले पीएम के रूप में दर्ज किया गया होता, अगर वो ऑफर दिया गया था तो उन्हें इसे अस्वीकार नहीं करना चाहिए था। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना उनके हाथ में होना चाहिए था। हम आलोचना कहा नीतीश जी का, हमारे बड़े भाई हैं नीतीश जी, भैया हमको तो समझ में नहीं आता है किसने दिया, कहाँ दिया, रिकॉर्ड है हमारे पास, प्रूफ है हमारे पास, तो भैया प्रूफ देने में क्या दिक्कत है उनको, उनको प्रूफ देने में क्या दिक्कत है। और हम त्यागी जी से आग्रह करेंगे एक बार, ये बिना कनगोजर आप बहुत बड़े भाई हैं, हमेशा हवा में नहीं चलिए। और नीतीश बाबू राजनीति के अंतिम पड़ाव पर हैं, और मुझे लगता है यदि प्राइम मिनिस्टर का उनको ऑफर दिया गया होता तो बिहार के लिए उनको प्राइम मिनिस्टर, अंतिम में प्राइम मिनिस्टर से बड़ा क्या होता है, बनना चाहिए ले लेना चाहिए, और बिहार में प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में उनका नाम दर्ज होता, आजीवन वर्ल्ड हिस्ट्री बनती उनकी। वो छोड़ दिए बारे बा, और आगे भी मौका है, अभी क्या हुआ है, अभी भी वो सोचे ऑफर आप दे दीजिए, हम क्या ऑफर दे दें भाई, हम न 3 में न 13 में, हम अपने कहीं कुछ नहीं है, हम क्या ऑफर दे दें, ऑफर देना ही इंडिया गठबंधन को है, इंडिया के हम प्रवक्ता थोड़ी हैं, हम कैसे ऑफर कोई चीज दे सकते हैं। मैंने कहा यदि उनको ऑफर दिया गया था तो उन्हें यह अवसर बिहार के लिए नहीं छोड़ना चाहिए था, विशेष राज उनके हाथ में होता और बिहार की तरक्की तो हो जाती है। इस मामले में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि वे झूठ बोलते हैं, नीतीश कुमार को कोई ऑफर नहीं दिया गया। कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा वे कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि उनका दोबारा मन बन रहा होगा कि वे वापस आ जाए, ऐसी राजनीति हमें नहीं चाहिए, हमारे पास और भी नेता हैं और अगर उनका मानना है तो उन्हें इंडिया गठबंधन में आना चाहिए और देश हित की बात करनी चाहिए। इधर CWC की बैठक के बाद पत्रकारों ने भी ये सवाल उठाया। कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं है। केसी त्यागी के दावे को राजद ने जुमलेबाजी करार दिया। पार्टी के प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा है कि केसी त्यागी प्रस्ताव देने वाले का नाम बताए। राजद प्रवक्ता इजाज अहमद ने कहा है कि बड़ी बात यह है कि राजनीति न एक दिन में शुरू होती है और ना ही एक दिन में खत्म। केसी त्यागी जो बातें कह रहे हैं उसको तथ्यों के साथ सामने लाए, किस नेता ने प्रस्ताव दिया था। आप जुमलेबाज पार्टी के साथ हैं तो आप भ्रम और जुमलेबाजी करके अपनी राजनीतिक स्थिति को बनाए रखना चाहते हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।